हेलो गाइस, वेलकम टू सुपर एक्स ब्लॉग्स। गाइस, आज का वीडियो कुछ एंटरटेनमेंट नहीं होने वाला है। गाइस, आज का वीडियो होना है फूड का रिलेटेड, मतलब फीस इंपॉर्टेंट होता है ना, फीस के बारे में होने वाला है। आज हम क्या करेंगे, 300 केजी फिश को फ्राई करेंगे और आपके लिए भी भेजेंगे। ओके गाइस, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए, जब तक फिश का फ्राई बना रहे। ओके गाइस, ये देखिए, ये चाइना मिला दिए, 3 केजी का मिला दिए, और टूल ज़्यादा नहीं दिए। और देखिए देखिए भैया, देखिए ये देखिए, ये फिश, ये रोही है, रोही देखा जाती है, रोही। हाँ, ये देखिए, ये कितना, वो 300 केजी फिश है भैया। देखिए कितने उसको, देखिए देखिए, ओ देखिए, वो दो लेडीज है, वो तीनों जेंट्स है, देखिए। ओके, अच्छे से सारी चीज़ सफाई चल रहा है, आप इसमें हम देख सकते हो, सफाई करके हम हर चीज़ करेंगे। बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो, अच्छे से सफाई होने के बाद फिश को वही बकेट के अंदर डाल रहा है, क्योंकि वहाँ पे सारे चीज़ मिक्सिंग हुआ, जैसे कि स्पाइसेस, ऑयल वगैरह, साल्ट वगैरह जो भी है, वो सारी चीज़ वहाँ पे ऐड किया जाएगा। अच्छे से कटिंग और सफाई होने के बाद फिश कैसे दिख रहा है, आप देख सकते हो, कट ऑफ फिश। टर्मेरिक पाउडर ऐड किया जाएगा, उसके साथ साथ मिर्ची को भी ऐड किया जाएगा। आप देख सकते हो कैसे हर चीज मिक्स किया जाता है। देन साल्ट को यूज किया जाएगा, क्वांटिटी और टेस्ट के हिसाब से साल्ट को ऐड किया जाएगा। आप देख सकते हैं उस वीडियो में हर चीज कैसे किया जाता है। उसके साथ साथ आप व्हाइट राशि यूज किया गया है, क्योंकि वो दिखने में सही दिखेगा और थोड़ा सा टेस्ट में भी डिफरेंस लाता है। उसके साथ साथ फूड कलर यूज किया गया, कि क्यों दिखने में सही दिखेगा। देन कॉर्नफ्लावर यूज किया जाएगा, कॉर्नफ्लावर मतलब कॉर्न स्ट्रेच बोलते किस किस जगह पे, और किस किस जगह पे अराउंड पाउडर बोलते, उसी को ऐड किया जाएगा, क्योंकि वो क्रंची लाने में मदद करेगा और थोड़ा सा फुलाना में मदद करेगा, और वो होने से ही फिश का टेस्टी सही रहेगा और दिखने में भी सही दिखेगा। देन उसके साथ साथ थोड़ा सा ऑयल मिला जाएगा, ऑयल मिलने के बाद उसको मिक्सिंग किया जाएगा।
अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद मछली को थोड़ा टाइम के लिए रहने दिया जाएगा, क्योंकि रहने से जो सारे चीज जो स्पाइसेस डाला गया है वो सारी चीज मछली के अंदर जाएगा और टेस्टी लाने में मदद करेगा। देन ऑयल को कढ़ाई के अंदर गरम किया गया, आप देख सकते हैं इस वीडियो में हर चीज कैसे किया जाता है। गाइस आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। सकते हो कितने सही तरीके से मछली को पकाया गया है और दिखने में कितना अच्छे और टेस्टदार दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम आगे जाके खा के भी उसको टेस्ट करके भी आपको बताएंगे उसका टेस्ट कैसा है। ओके गाइस, जब तक मछली का फ्राई चल रहा है, गाइस 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। सब्सक्राइब कर दो यार। गैस टेस्ट के बारे में क्या बताओ, बहुत ही शानदार और सही था और खाने में भी बहुत क्रंची आ रहा था और बहुत ही टेस्टीदार था। गाइस आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट पे बताना मत भूलिए। गाइस हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट कीजिए बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सुपर एक्स ब्लॉग्स।